अरे शरीर में बर्फ क्या पता लगेगा, बर्फ दिख रही है सर में। दोस्तों नमस्कार, एनी क्लास ब्लॉग यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आपको 75वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे एनी क्लास फॉलोअर्स से हम सभी को आज 26 जनवरी की बहुत शुभकामनाएं देते हैं। दोस्तों आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। हमारे संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। हमारे देश को आज़ाद कराने में और हमारे संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराने में विभिन्न योद्धाओं, महापुरुषों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों द्वारा अपना बलिदान दिया था और अपना पुरजोर लगा करके हमें स्वतंत्र कराया था, हमें गणतंत्र घोषित किया था। उन सभी को आज हम लोग सभी अन्य कैलाश फॉलोअर्स की तरफ से हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। पुरुषों के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हुए हम अपने देश भारत को मजबूती प्रदान करेंगे। दोस्तों आज हम अपने देश भारत में मजबूती के साथ खड़े हैं और एक स्वतंत्र रूप से स्वच्छंद घूम रहे हैं। जो भी हम लोग कर रहे हैं, आज विचरण कर रहे हैं जमीन पे, वह उन्हीं योद्धाओं की देन है जिन्होंने हमारा देश को आज़ाद कराने में और हमारे संविधान को लागू कराने में अपना सर्वत्र न्यौछावर किया था और अपने प्राणों की आहुति दी थी। उन सभी महापुरुषों को, उन महान विभूतियों को, उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को हम अन्य कैलाश फॉलोअर्स सभी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनको नमन करते हैं और हम सभी उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलते हुए अखंड भारत को एक मजबूती प्रदान करेंगे और अपने शक्ति भारत को देंगे। को अपने जीवन में उन महापुरुषों द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए और जो उनके द्वारा ज्ञान दिए गए हैं, जो उनके द्वारा बुकें लिखी गई हैं, जो उनके नियम बनाए गए हैं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर द्वारा इतना बड़ा संविधान बना करके हमें दिया है, हम उनका बहुत बहुत सम्मान करते हैं, उनको नमन करते हैं। अब शुरू करते हैं आज की अपनी दिनचर्या। हमने सुबह झंडा फहराने के बाद रूम पाए। दोस्तों आज काम, घर में बहुत काम था क्योंकि थोड़ा समय मिल चुका था। आज घर में साफ सफाई और कपड़े सुखाना, बिस्तर सुखाना, कपड़े धोना, अपनी साफ सफाई का बहुत सारा काम किया। दोस्तों काम करने में ही हूँ, अभी शाम हो चुकी है, यानी कि 2 बजे से ड्यूटी थी, अब वो यानी 2 बजे ड्यूटी चली गई थी, उसके बाद मैं घर में अकेला ही था। बहुत सारा काम था दोस्तों, आज बिल्कुल समय नहीं मिला, इतना काम था मैं क्या बताऊँ, आप कह नहीं सकते हैं। घर में साफ सफाई करना, झाड़ू पोछा करना, बहुत मतलब घर के इतने डेली बेस के इतने काम थे आप कह नहीं सकते हैं। अब मुझे अनी को लेने भी जाना है क्योंकि 7:30 हो चुका है। और खाना बनाया मैंने, चावल बनाया और पालक की सब्जी बनाई, बढ़िया सी मज़ा आ गया दोस्तों पालक में आज, क्योंकि घर का पालक था, लोकल अल्मोड़ा का पालक था, तो मैंने बनाया, बहुत अच्छी रेसिपी बनाई पालक की और चावल। पूजा पाठ कर ली है घर में, सुबह शाम पूजा जरूर करनी चाहिए। दोस्तों एक बार देहरादून गया था अपने निजी काम के लिए, तो दोस्तों वहाँ पर मुझे एक पर्सन मिले, वो बहुत मतलब विद्वान हैं। उन्होंने मुझे एक बात बताई दोस्तों, उन्होंने मुझे ये बात बताई कि हम लोग भगवान देखो एक है और दुनिया में कितने लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं और सबकी आस्था भगवान पे है, अपने अपने धर्म है, अपना अपना सब कुछ है और भगवान एक है, चाहे कोई भी धर्म का ले लो। विद्वान पंडित ने मुझे ये चीज़ बताई कि हम इतने लोग धरती में विचरण कर रहे हैं तो हम लोग भगवान पे आशा लगा के हम लोग 2 मिनट पूजा कर लेते हैं, भगवान को हाथ जोड़ लेते हैं, हम सोचते हैं भगवान हमें सब कुछ दे दे। तो दोस्तों ऐसे हम जैसे प्राणी तो दुनिया में कई लोग हैं, अब भगवान किस किस को देगा, नहीं दे सकता ना सभी को, सभी को जो चाहिए वो नहीं दे सकता। इसलिए दोस्तों हमें भगवान को, भगवान से कुछ अपेक्षा करने के लिए भगवान को भी कुछ अपने स्तर से देना पड़ेगा। देना पड़ेगा का मतलब यह है कि हमें भगवान की आराधना करनी पड़ेगी। आप हम लोग 24 घंटे हमारे पास होते हैं, 24 घंटे में हम लोग क्या करते हैं, हम अपने लिए क्या करते हैं, भगवान को कितना समय देते हैं। दोस्तों इसलिए मेरा मानना यह है कि कम से कम 24 घंटे में 1-2 घंटा, पहले तो 2 घंटा फिर 1 घंटा भगवान को जरूर देना चाहिए। हम लोग एक सुबह शाम थोड़ी सी पूजा कर लेते हैं और भगवान कोई भी कष्ट आए तो भगवान से कहते हैं दोस्तों कि भगवान
तूने ऐसा कर दिया, भगवान तूने ऐसा कर दिया। अरे हम जैसे लोग कीड़े मकोड़े तो धरती में कई लोग हैं, तो सभी लोग अगर भगवान से इतनी अपेक्षा करेंगे तो भगवान सबको तो नहीं दे पाएंगे ना। लेकिन भगवान उन्हीं को देता है जिनकी आराधना, जिनकी भक्ति सबसे ज्यादा होती है, उन्हीं को भगवान देते हैं। इसलिए मेरा आपसे सभी एनी कैलाश फॉलोअर्स से यही कहना है कि भगवान को अधिक से अधिक समय दो। भगवान को जितना देंगे आपको उससे दुगुना चौगुना मिलेगा। ये मेरी सुनी हुई बात है, प्रत्यक्ष से किसी ने मुझे बताया, उसके बारे में मैंने उसका अवलोकन किया, अनुभव किया। मैंने कहा यार वास्तव में बंदा सही कह रहा है कि हम भगवान से छोटी सी बात, हमने मान लीजिए हमारी कोई मनोकामना है, हमने भगवान से कह दिया कि भगवान हमारी मनोकामना को पूरी कर देना, लेकिन हम उसके लिए प्रयास तो करते ही नहीं है। घर में बैठे बैठे बोलते हैं हमारी मनोकामना पूरी कर देना, लेकिन कैसे होगी मनोकामना पूरी, हम प्रयास तो नहीं कर रहे हैं। और वो मनोकामना हमारी पूरी ना हुई तो हम भगवान से नाराज हो जाते हैं। दोस्तों ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान की हमेशा आराधना करनी चाहिए। कम से कम 24 घंटे में 2 घंटा भगवान की आराधना जरूर करें, भक्ति करें, उसके बाद आपको ये अधिकार है कि भगवान से आप जो है कह सकते हैं भगवान मेरा ये काम सफल होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं दोस्तों, उससे पहले हम नहीं कह सकते हैं। कि भगवान की आराधना जरूर करें। एनी कैलाश ब्लॉग यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं सभी फॉलोअर्स से ये कहूँगा कि भगवान हर घर में, कण कण में भगवान है। हम ये नहीं कह सकते कि भगवान नहीं है, भगवान है हर जगह, भगवान है, सिर्फ गलती हम में है। हम लोग भगवान की आराधना नहीं करते हैं, हम भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं। जिस दिन आप विश्वास करेंगे, आराधना करेंगे, भगवान आपकी तरफ जरूर देखेंगे। लेकिन ये है कि ऐसा मत सोचिए कि हम 2 मिनट दिया धूप बत्ती कर लें उसके बाद भगवान पर एहसान जता लें, क्योंकि भगवान मैं दूर आपके लिए पूजा करता हूँ, आप मेरी मनोकामना पूरी नहीं करते हैं। ये हमारी भूल है, ऐसा हमें कदापि नहीं करना चाहिए। को लेने के लिए अब जाऊंगा, अनी से मिलाते हैं आपको, उसके बाद आके फिर बातें होती है। दोस्तों आ गई है, देखो अनी कैसे चल रही है, देखो मजा आ गया, धीमी गति से चाल चाल है। बढ़िया, सब कुशल मंगल, सब कोई दिक्कत परेशानी, खुश, बिल्कुल बढ़िया। दोस्तों पहुंच चुका हूं, देखो अनी को लेके ड्यूटी से आ गए हैं हम लोग। दोस्तों 8:30 बज चुका है, अभी खाना खाने की तैयारी करनी है। आज अनी स्वस्थ है, अनी 2 दिन से स्वस्थ है, तो घर में खुशी का माहौल है, बहुत बढ़िया है। अनी तो सुनसान ही है बोलने को कुछ। कैसा है स्वास्थ्य फिर आज? ठीक है, सही है आज तो। दोस्तों पहुंच चुके हैं, अभी खाना भी बनाना है और खाना भी खाना है। आज दिन भर में बहुत थक चुका हूँ दोस्तों, वैसे भी काम बहुत ज़्यादा था आज घर में, क्योंकि सुबह टाइम से कमरे में आ गया था, तो ये भाई साहब तो ड्यूटी गए थे, सारा काम तो मुझे करना था घर का, तो बहुत काम करके आज मेरा मन कर रहा है सो जाता हूँ। क्या है फिर खाने का विचार आज? जो बनाते हो। तो दोस्तों हम कमरे में आ चुके हैं, कमरे में आने के बाद मैंने अनिल ने तो रेस्ट किया, इनको तो रेस्ट करना है रोजी है ना। कमरे में आके आज बनाई शानदार आलू के गुटके चटनी और दही, बहुत मज़ा आया दोस्तों। और गेहूं मडुआ और चने की रोटी, फसला रोटी और खाए, और मज़ा आ गया, देख लो मज़ा आया नहीं आया पूछो। बहुत टेस्टी सब्जी बनाई थी और चटनी तो क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, मज़ा आ गया। अरे शरीर में बर्फ क्या पता लगेगा? बर्फ दिख रही है सर में। पीछे और चलती होती है। ज्यादा ही बर्फ गिरती है अब। क्या तो बढ़िया बता जा रही, दिखता नहीं है ना ये नीचे गिर रही सब बर्फ, देखो ना मेरे गले में घुस गई, देख लो सही गले में घुस गई।
बर्फ भी खाते रहो दीवान जी। बर्फ में आइसक्रीम खाने का मजा ही कुछ और है। देख लो आ